Assalamu alaikum viewers, welcome to a new video of Margul Draws. Let's see, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चारकोल. चारकोल ड्राइंग में बहुत सी किस्में होती हैं. स्पेशली चारकोल पेंसिल में बहुत सी किस्में होती हैं. चारकोल में आपको बहुत सी कंपनीज मिलेंगी और इसमें आपको प्रॉपर कोयला भी मिलता है जिससे आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होता है तो वो जल्दी टूट जाता है, तो वो उससे भी आप कर सकते हैं. और उससे शेडिंग जरा मुश्किल होती है. और इसके अलावा फेबरकासल और डेरवेंट, ये अभी मुझे जो मिली हैं ये चारकोल की कंपनीज हैं. इन पे जो लिखा होता है वही मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ. और इसमें फेबरकासल की जो पेंसिल है दैट इज द बेस्ट. और इसमें आपको मीडियम भी मिलेगा, सॉफ्ट भी मिलेगा. फेबरकासल का ये सबसे सॉफ्ट है और इसको बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है. शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल शेडिंग. और क्योंकि ड्राइंग आपको लेड पेंसिल से ही करनी होती है. और इसके अलावा मीडियम है, फिर ये जो सॉफ्ट है ये डार्केस्ट डार्क है. ये हम डार्केस्ट डार्क की चले जाते हैं फैमिली में. और फिर जहाँ पे वो हमें उस शेडिंग की जरूरत पड़ती है तो फिर वो हम उधर ये यूज करते हैं. इसके अलावा मीडियम में जहां पे हमें काम करनी पड़ती है, लेकिन हम ये इसको सॉफ्ट पेंसिल को भी हम आराम से चला के तो उसको हम यूज कर सकते हैं मीडियम के तौर पे. इसलिए मीडियम की इतनी जरूरत नहीं पड़ती. इसमें ब्राउन कलर्स भी होते हैं, ब्राउन शेडिंग भी बहुत अच्छी लगती है. उसे हम चारकोल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ब्राउन पेंसिल्स होती हैं तो ब्राउन पेंसिल में और भी बहुत सी हमें कंपनीज मिलेंगी. तो लेट्स स्टार्ट. तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने ये शीट पहले फिक्स कर ली है और इसके ऊपर अपना जो मैंने बनाना था जो कुछ भी ये लीव्स आज मैं बना रही हूँ ये मैंने ड्रॉ कर लिए हैं लीव्स. लीव्स में क्योंकि हमें जो लीव्स के बीच का पार्ट होता है, लीव्स के अंदर का पार्ट होता है तो वो बहुत डार्क में चला जाता है. इसीलिए मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी. और लीव्स की शेडिंग बहुत ट्रिकी होती है तो वो आपको मैं इसमें भी करके दिखाऊंगी चारकोल में. और इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बनाएंगे तो वो हम उसमें पेस्टल में भी करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह. तो लेट्स स्टार्ट. और ये मैंने सॉफ्ट पेंसिल ली है. सॉफ्ट पेंसिल में डार्केस्ट डार्क में आ जाते हैं. ड्रॉ आपने पहले कर लेनी है लेकिन ड्रॉ का मतलब जो उसकी हम जब शेडिंग कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना है कि जो आउटलाइन है जो एक लीव जिस तरह हम बना रहे हैं तो उसकी आउटलाइन होगी तो आउटलाइन प्रॉपर आउटलाइन नहीं नजर आनी चाहिए. हमें किसी भी चीज की स्पेशली पेंसिल शेडिंग में या चारकोल शेडिंग में या फिर हमने कुछ भी बनाया है हमें उसकी प्रॉपर आउटलाइन नहीं नजर. अभी आउटलाइन है तो हम इधर एक लाइट और ये आप देख रहे हैं मैंने इसको थोड़ा सा लाइट में आगे शेड कर दिया. और इधर क्योंकि ये लीव के अंदर डेप्थ में जा रहा है तो अब तो ये मैं हमने इसमें अभी
शुरू किया है। अब आपको मैं लीफ के बारे में बताती हूँ। लीफ में कुछ डेप्थ होती हैं जो वैसे नजर में हमें दूर से देखने में नजर नहीं आती, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो लीफ कहीं से उठा हुआ है, कहीं से उसमें डेप्थ है, कहीं से हमें ये जगह ऊपर नजर आती है, फिर यहाँ इस जगह पे आके डेप्थ हो जाती है, और उसमें कुछ जगह जहां पे अल्लाह की कुदरत ने ये बारीक बारीक लाइंस दी होती हैं, जो हम चाहते हुए भी कोई भी आर्टिस्ट उसको ड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये वही एक मुसव्विर है जिसने ये चीज बना दी। अब हम उसको शेडिंग उस ये चीज डेप्थ में आ रही है ये चीज। अब कल किसी एक पत्ते को पकड़ के देखें तो उसमें इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, और आपने कभी आउटलाइन पे, ये मैंने पहले शेडिंग करके इसलिए रखा हुआ था एक एक उसका हिस्सा, कि आपको थोड़ा सा मैं बता सकूं कि डिटेल बता सकूं कि उसके बाद उस वक्त मैं, क्योंकि जब कर रही होती हूं तो मुझे मुझसे वैसे बोला डिटेल बताई नहीं जाती। तो ये कभी ना करें कि आप किसी भी चीज की आउटलाइन शार्प बना दें, यानी एक शार्प आउटलाइन, जैसे हमने ये पेंसिल की आउटलाइन बना दी है, अगर हम किसी भी और चीज की आउटलाइन शार्प बना देंगे तो वो चीज की खूबसूरती खत्म हो जाती है। यानी हमने उसकी आउटलाइन शार्प नहीं बनानी, बस वो नजर आना चाहिए कि ये, अब ये लीफ ऊपर है तो ये इस तरह लाइटर शेड में आएगा, ये इसके नीचे है ये डार्क में चला जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये अब हमने इसको यहां तक कर लिया, और ये अब मैं बाकी आपको पेंटिंग साथ साथ बना के दिखाती हूँ। चारकोल पेंसिल पेपर कासल की बेस्ट रहती है, लेकिन उसे बहुत देख के शार्प करना पड़ता है, बहुत सॉफ्टली शार्प करना पड़ता है, क्योंकि उसका सिक्का बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। और इसके अलावा इसमें जहां जहां डेप्थ्स हैं वहां मैंने डार्क शेड्स दिए हैं, और लीव्स, ये आपको वो लीव्स देख के, जब आप, जब तक आप लीव की पिक्चर देख लें या लीव आपके घर में कोई पत्ता है उसको उठा के देख लें, तो वो उसमें बहुत से डेप्थ्स हैं और बहुत सी
उसमें आपको शेड्स नजर आएंगे. तो लेट्स सी नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो कौन सी होती है, मुझे कमेंट करके बताएं ये आपको कैसी लगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट में कौन सी बनाऊं. तो आपके कमेंट्स मुझे बहुत मानी रखते हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता लगता है कि आपको मेरी पेंटिंग में क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या आप आगे क्या चाहते हैं. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.